अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हम बात कर रहे हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वकूआ जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जिसके अंदर गुलिस्तान जौहर में बताया गया है कि जब इतला सामने आई कि जिसके अंदर बीवी की गला कटी लाश जो है वो सामने है, उसके साथ साथ उसके बच्चों की जो है वो गले काटे गए। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़ गुलिस्तान जौहर में ये रिपोर्ट हुआ है। तेज़ धार आले से बताया गया है कि इनके गले काटे गए हैं। वकूआ के एफ आई आर जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसके ऊपर पुलिस ने अभी शुबा जाहिर किया है उसी के बाप पर और उसको हिरासत में ले रखा है, उससे तफ्तीश भी की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि ये वाकया, ये अफसोसनाक जो जुल्म है ये इसी बाप ने किया है संगदिल, और उससे तफ्तीश की जा रही है। साथ साथ मुख्तलिफ जाविये से भी इसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। मामला क्या है, कब हुआ, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे नाज़रीन, क्योंकि ये चीज़ जो है वो सामने आई है कि ये जो बाप था वो आइस जैसे मोहल्लिक नशे का आदि था और इस्तेमाल किया करता था और इस नशे में अक्सर रहा करता था। और अभी जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई हैं उसके अंदर ये बात सामने आई है कि ये नशे का आदि था। हम बार बार बता चुके हैं कि इस शहर के अंदर नशे की लत किस तरह नौजवानों को उनके रगों में किस तरह दौड़ाया जा रहा है ये नशा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबे आए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या मुख्तलिफ उम्र के हिस्से में से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन तमाम लोगों को इस नशे का आदि बनाया जा रहा है। और मुनज़्ज़म तरीके से ये बआसानी इस शहर में दस्तियाब है। कहीं कहीं पता चलता है कि ऑनलाइन ये नशा फ़रोग किया जा रहा है, कहीं मखसूस जगहें हैं वहाँ ये नशा जो है वो दिया जाता है और फराहम कर दिया जाता है, और कहीं पार्टियों में इस नशे का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और अब एक फैशन बनता जा रहा है इस शहर के अंदर, मुख्तलिफ फार्म हाउसेस जो हैं वो लॉक किए जाते हैं, उधर बुक किए जाते हैं, उसके ऊपर महफिलें सजाई जाती हैं। इसके ऊपर अभी लेटेस्ट क्या तफसीलात सामने आई हैं, क्योंकि जो मकतूलीन हैं उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको उनकी तदफीन जो है वो कर दी गई गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में। नूरुल इस्लाम है जिन्होंने इसको कवर किया है, हम इनसे जो है वो बात करेंगे। और साथ साथ इस मौजू के ऊपर, क्योंकि देखें एक वक्त था जिसके अंदर ये बताया जाता था कि जी मुख्तलिफ कराची के इलाके हैं जहाँ पर मुनज़्ज़म अड्डे कायम हैं। अब मामला ये आता है कि पुलिस जो है वो ये बात कहती दिखाई देती है कि जी जो मुनज़्ज़म अड्डे हैं अब उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, मगर जो सेल्स हैं कुछ लोगों पर मुश्तमिल ग्रोह हैं वो ऑनलाइन व्हाट्सएप और दीगर तरीके से जो है ये नशा फरोख कर रहे हैं। मगर कुछ दिन गुजरते नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी इलाके की जो वीडियो है वो सामने आ जाती है, और सामने आने के बाद जो है नाज़रीन उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि कतारें लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं नशे के आदी अफराद जो हैं उन्होंने डेरे डाले में हैं और उनको बआसानी वो नशा दस्तियाब है। कुछ जगहों पर हम ये देखते हैं कि एक गंदी गलियों के अंदर, कहीं ना कहीं पुलों के नीचे और इस तरह के मकामात पर तो कहीं इलीट जो है वो नशे की आदी बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त वो शायद नाज़रीन उनमें से लोग भी हों जिनके फैमिली के अंदर अगर कोई इस तरह का नशे का आदि फ़र्द हो, वो इस चीज़ इस तकलीफ़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तकलीफ़ से वो लोग गुजरते हैं जिनके अहल खाना में से कोई भी शख्स इस नशे का आदि हो। और ये आइस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इतना मोहल्लिक बताया जाता है कि जो माहरीन हैं वो बताते हैं कि इसका आदि शख्स कुछ अरसे बाद ही जो है वो इंतकाल कर जाता है, जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, जागता रहता है, और बहुत सारी वजूहात जो हैं इसकी बताई जाती हैं। और अगर हम नुकसानात की बात करें तो इंतहाई ख़तरनाक हैं, इंतहाई ख़तरनाक। जो माहिरीन इसके इस नशे के ऊपर बात करते दिखाई देते हैं उसमें ये एक अहम बात है कि इसके ना सिर्फ जिस्मानी मामलात पर ये नशा जो है वो असरअंदाज होता दिखाई देता है, इसके साथ साथ जो जहनी मामलात हैं उसके ऊपर भी जो है ये चीज़ सामने आती है, क्योंकि जहन के अंदर बताया जाता है कि मुख्तलिफ वहम जन्म लेने लगते हैं। नॉर्मल लोगों को इंसान अपना दुश्मन तसव्वुर करने लगता है, इस वक्त सोचता है कि कोई ना कोई पीछे है। तो इसके ऊपर जो है आज तफ्तीली गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।